मेरे वतन के लोगो, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लड़े वो, जब तक थे सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, हो गए वतन पे न्योछावर, वो वीर थे कितने गुमानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थी धन्य जवानी वो अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल गणतंत्र दिवस है और ये जो दिवस है हम सबों के लिए एक बहुत बड़े बलिदान का दिवस है। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके पीछे कितने वीरों ने कुर्बानी दे दी, कितने माताओं की गोद सुनी हो गई, कितने बहन विधवा हो गए, माने बहुत सारे लोगों को हमने खोया है। और यही वो दिन है जब हम लोग उनको याद करते हैं और इसके बाद तो भूल ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे दिलों के अंदर वो हमेशा जीवित रहना चाहिए। और आज यदि वो वहाँ से इन चीज़ों को देख रहे होंगे, हमारे देश में जो चल रहा है, जो हमारा देश जिस तरफ जा रहा है, यदि आज वो देख रहे होंगे कहीं से भी, तो अपने आप पर शर्म कर रहे होंगे कि हमने इन देशवासियों को क्या दिया और उसको, उस धरोहर को आज इन लोगों ने कहां तक पहुंचाया है। तो आप सबों से एक बार रिक्वेस्ट करना है कि इस दिन को सिर्फ याद नहीं करना है, उन वीरों को याद नहीं करना है, उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें फिर से अपने देश को बेहतर बनाना है। जो हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से हमारे देश एक अलग ट्रैक पर जाते जा रहा है, उससे हमें बचाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आज 25 तारीख है और आज ही 25 जनवरी 25
जनवरी 2022, ठीक है। और आज से जो आपका एप्लीकेशन है उस पर आज से क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। जिनको जानकारी नहीं है उनको इस बात की जानकारी दे दे कि आप जो आपके आसपास के बच्चे जो इस बार 9 में है, अब 10 में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो उनके लिए जो है मात्र 399 रुपये रखा गया, मात्र 399 रुपया। और ये एक दिन और बढ़ा दिया गया इस ऑफर का, यानी 26 जनवरी के लिए कहा जाए तो 26 जनवरी के लिए विशेष छूट है, इसके बाद इसका फी बढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो अभी 10 में इस बार एग्जाम देंगे और जाएंगे अब 11th में, तो उनके लिए जो फी रखा गया है मात्र 499 रुपया रखा गया है। और जो 12th वाले बच्चे हैं, ठीक है, 12th वालों के लिए मात्र 599 रुपया फी रखा गया है, और वो भी कल तक, यानी 26 जनवरी के रात्रि 12 बजे तक ये विशेष छूट आपको दिया गया है। और यही अपडेट आप लोगों को देना था। और बैच आज से शुरू हो रहा है, आज से उस पर क्लास शुरू हो जाएगा। तो आप में से जो भी लोग अभी तक, यदि आपने नहीं एडमिशन लिया है या आपने अभी तक नहीं जुड़ा है, और यदि आपको इच्छा है कि हम जुड़े, तो आप इस न्यूनतम फी को पे करके आसानी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ये जो आपका बैच है, इसमें आपको एनसीईआरटी और केसीसी नाम दोनों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। माने दोनों का एक मटेरियल आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ टेस्ट, यानी सारी व्यवस्था वहां पर की गई एप्लीकेशन पर। ऐसे होता क्या था कि हम आपको सिर्फ पढ़ा पाते थे, ना ही पीडीएफ दे पाते थे और ना ही टेस्ट वगैरह आप लोग का ले पाते थे, तो वहां पर टेस्ट की भी व्यवस्था की गई। तो आप लोग जाकर, जो भी बच्चे बहुत, मतलब देखिए ऑफलाइन में जो यही फी आपको ऑफलाइन में जब आइएगा, तो इस फी, ये जो फी है आपको वहां पर पे करना पड़ेगा आपको 3999 रुपया ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में मात्र 599 रुपया में आपको मिला, और सेम चीज आपको मिलेगा, समझिए कि एकदम ऑफलाइन वाला सेम चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप आसानी से यहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो शाम में 7 बजे आप लोग का क्लास चलेगा, ठीक है, उसमें आप सभी निश्चित रूप से जुड़े, वो आपके लिए काफी मस्त इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन है। उसमें हम 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आज से जो भी आपका 31 तारीख तक चलेगा, उसमें काफी मस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है शाम में 7 बजे वाला। 25 वैसे क्वेश्चन को हम लेकर आने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम डेफिनेटली ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से जुड़ना है। और ये जानकारी अभी तक जिनके पास नहीं पहुंचा है, आप लोग जानकारी को जरूर पहुंचाएं, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन था आप लोग के लिए, और फिर हम लोग मिलेंगे शाम में 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।